अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइव विद शाजिया। आज की वीडियो में मैं आपसे बहुत इजी सी रेसिपी पकोड़ों की शेयर करूंगी, जिसको बनाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। अब हम डालेंगे इसमें बारीक कटे हुए आलू, 5 से 6 हरी मिर्चें, हरा धनिया। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, हसबे जायका नमक, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा बेसन ऐड करके हमने इसको मिक्स करना है। अब ये बैटर काफ़ी ड्राई है, इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करूँगी ताकि अच्छा सा बैटर बन जाए। ये अच्छा सा, ये देखें, क्रीमी सा बैटर तैयार हो गया। इसको आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, ज़रा ये थोड़ा सा थिक थिक सा ही रहेगा। देंगे ये ऑयल, आप देख रहे हैं अच्छे से गर्म हो गया। अब हम इसमें स्पून की हेल्प से थोड़ा थोड़ा सा हम डालना स्टार्ट करते हैं बैटर। अभी जैसे एक साइड इसकी हो जाएगी अच्छे से फ्राई, फिर आप इसको टर्न कर लें और कलर जो भी आपका है, लाइट कलर पसंद है या डार्क कलर पसंद है, वो आप लोग इसको दे सकते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं कि फ्राई हो गए हैं, और मुझे इससे ज़्यादा डार्क ब्राउन भी कलर नहीं करना। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। ये जो है पकोड़े वो तैयार है, और ये बहुत क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं। आप लोग इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपको क्रिस्पी पकोड़े पसंद है। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।